हे फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात का 11:30। ये देखिए 11:30 हो चुका है अभी, और अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग का एक घर ही है बड़ा वाला, तो उसका ऑलमोस्ट 25-26 साल हो गया, तो उसका मशीन बिगड़ गया। तो मैंने क्या किया, अमेजन से सेम मशीन मंगाया, तो वही मैं फिट करूँगा आज। तो देखिए इतना रात को भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इसे देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और ठीक है फ्रेंड्स, पहले मशीन का अनबॉक्सिंग करते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो घड़ी, इसका मशीन मैं लाया हूँ अमेजन से, मुझे 340 रुपीज़ का पड़ा है मशीन। तो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसका अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो पेंडुलम वॉच का मशीन, और ये घड़ी का काटा। तो ये बॉक्स को हम लोग साइड में रखते हैं और मशीन को खोलते हैं पहले। तो ये रहा मशीन, लगा के देखते हैं पहले कि मशीन चलता है कि नहीं। तो सच में फ्रेंड्स मुझे तो पता नहीं चल रहा है मशीन चल रहा है कि नहीं। बैटरी भी नया है, ठीक है इसे पहले फिट करते हैं फिर देखेंगे, अगर चला तो चला नहीं तो रिटर्न कर देंगे। फ्रेंड्स मशीन ठीक है, मशीन चल रहा है। तो अभी इस मशीन को खोलते हैं। इस मशीन को खोलने के लिए मुझे पहले ये पेंडुलम खोलना है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और इस कंप्लीट डायल को मुझे खोलना पड़ेगा, इस डायल को खोलने के बाद ये मशीन चेंज होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये डायल खोल गया, तो अभी इस मशीन को खोलते हैं। इस मशीन को खोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इधर में एक छोटा स्क्रू है, इसे खोलना पड़ेगा। ये रहा स्क्रू, फिर सावधानी से धीरे धीरे
सबको भी खोलना पड़ेगा। इधर एक छोटा सा वॉशर है थ्रेड वाला, तो उस वॉशर को भी हमें खोलना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल ये मशीन को पकड़ के घुमा, ये चलाया मशीन बाहर और आप देख सकते हैं ये दोनों सेम मशीन है और सेम कंपनी का मशीन है। तो ये मैं साइड में रखता हूँ और इसे अभी मैं फिट करूँगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने मशीन तो फिट कर दिया, अभी इसका इस काटा सब भी फिट करूँगा। ये सबको हल्का हाथ से करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट सकता है। एकदम आराम से करना है सबको। असली ये जो छोटा था इसको भी मैंने लगा दिया। तो अभी देखिए ये रेडी हो गया है, तो अभी इसे फिर से घड़ी में फिट करता हूँ और चेक करूँगा कि ये चल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आखिर में घड़ी बन के तैयार हो चुका है। तो अभी इसको टेस्टिंग करेंगे, मैं टाइम मिला देता हूँ इसका। मशीन बन के तैयार हो चुका है और ये चल भी रहा है। काफ़ी पुराना घड़ी है, ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हो गया है इसका। तो ओवरनाइट इसको टेस्टिंग करेंगे हम लोग, उसके बाद कल इसका जगह में जहाँ ये लगा रहता है उधर में लगा देंगे। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं घड़ी में 12 बज चुका है और मेरा जो घड़ी है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। और ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आप देख सकते हैं ये घड़ी अभी भी चल रहा है। तो दैट मीन्स मशीन ठीक है और सक्सेसफुली घड़ी चल रहा है। तो अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो घड़ी को लगा देंगे और आपका जो पुराना मशीन है वो फेंक दिया जाएगा।